तो उमा जी, आपने बचपन में कभी ऐसा सोचा है कि आप इतना बड़ा काम करेंगे? 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और दादी के साथ में बैठ के ये कसीदाकारी का काम सीखा था। और आज उमा जी से मिलके आप क्या महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल पर, आपका स्वागत है। और आज हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं जो पूरे भारत के अंदर हमारे जो राजस्थान की कला है इसको फेमस किया है आपने। और आपका नाम है रूमा देवी और आप सब जानते होंगे। और रूमा देवी के साथ में बैठे हैं और इनसे आइए बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं पांचला सिद्धा के अंदर जो उत्सव माह का जो कार्यक्रम चल रहा है। रूमा जी, राम राम। राम राम सर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आपने हमारे राजस्थान की संस्कृति को, और साथ साथ आप भी बहुत सौभाग्यशाली है कि जो राजस्थान की हस्तकला है इसको पूरी दुनिया के अंदर आपने फेमस किया है। तो आज आप इस कार्यक्रम में पधारे हो, पांचला सिद्धा में आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी जो मेहनत है वो आप महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के पांचला गांव में जो महिलाएं ये सीखने के लिए इच्छुक है, बहुत ही अच्छा है। और आज ये भी सीख रहे हैं, तो आप इनसे पूछिए कैसा लग रहा है ये काम करना। बिल्कुल। तो भाई जी, आप क्या उमा जी से मिलके कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश है। तो आपने पहले उमा जी का नाम सुना? सुना। अच्छा, कैसा लगा कि कभी आप उमा जी से मिले? को ऐसे सोचा कि नहीं सोचा? पहले नहीं सोचा। और आज उमा जी से मिलके आप क्या महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। बिल्कुल। इनके एक पास में कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना ये खुश हो रहे हैं। और इनके पास अपनी खुशी। और ये नजारा देखिए आप, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है पांचला सिद्धा में, जहाँ पर ये महिलाएं सज धज के, और पूरी विदेशी महिलाएं भी यहाँ खूब आए हुए हैं। तो आपको भाई जी कैसा लगा? आप कहाँ से पधारे हुए हो? अच्छा, बाड़मेर से पधारे हो। तो बाड़मेर से आप पधारे हुए हो और बाड़मेर की धरती से ही रूमा देवी पूरी दुनिया के अंदर नाम कर रहे हैं और महिलाओं को सिखा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो उमा जी, आप पांचला सिद्धा और कार्यक्रम जो एक संत पांचला सिद्धा में विराज रहा है और वे इन टाइप रो कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो इस बारे में आप कहीं कहना चाहो? बहुत ही अच्छी सोच है इनकी कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये प्रोग्राम आज इन्होंने रखा है। इनके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं बाड़मेर से, मुझे बोला कि आपको आना है तो मैं फौरन आ गई, क्योंकि एक महिला का प्रोग्राम था और मेरा काम है महिलाओं को सशक्त बनाना। यहाँ पे अलग अलग कंट्री से और अलग अलग जिलों से महिलाएं आई हुई है और उनकी कला, जो बाहर से आए हुए हैं वो भी कला का काम सीख रहे हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं ये भी कला का काम सीख रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो साथ में बैठ के सीखेंगे तो इनका भी मनोबल बढ़ेगा कि हमें भी सीखना है। एक दूसरे की कला को देख के और आगे अच्छा काम करेंगे और उनको अनुभव होगा कि जो गाँव की अनपढ़ महिलाएं हैं और वो विदेश से आई हुई महिलाएं हैं, वो पढ़ी लिखी है, तो उनको देख के इनको भी हौसला मिलेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये पढ़े लिखे होके भी हाथ का काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उमा जी, आपने बचपन में कभी ऐसा सोचा है कि आप इतना बड़ा काम करेंगे? नहीं, मैं तो छोटी थी तब, 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और दादी के साथ में बैठ के ये कसीदाकारी का काम सीखा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने तो मेरे खुद के रोजगार के लिए ये काम शुरू किया था। आज इतनी महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हूँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो रूमा जी, हमने सुना है कि कुछ लोग बात करते हैं कि रूमा जी पढ़े हुए हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं पढ़े हुए हैं, तो आपकी शिक्षा के बारे में बताएंगे, आप कितने पढ़े हुए हैं? मैं सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ी। अच्छा, गाँव में शिक्षा लिए? गाँव में जो सरकारी स्कूल है वहीं जाते थे। तो अभी आज के दिन आपके अंडर में कितने लोग ये महिलाएं काम कर रही है? अंडर में नहीं कह सकते, हमारे नेटवर्क में 22,000 प्लस महिलाएं हैं और जो ये हस्तकला का काम करते हैं। वैसे बाड़मेर में 1.5 लाख से ऊपर आर्टिजन है जो ये काम करती है, लेकिन हमारे नेटवर्क में 22,000 प्लस है अभी। अच्छा, पूरा आपका कोई संस्था बनी हुई है या फिर? संस्था है और हम अलग अलग ग्रुप बना के उनको मार्केट से लिंक करवाते हैं, उनको स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे करके हम खुद महिलाओं को सक्षम बना के उनको मार्केट से लिंक करवाते हैं, वो खुद अपना काम करते हैं। रूमा जी, हमारा चैनल का नाम है योगी पुखराज, यूट्यूब के ऊपर चैनल है और इस चैनल के ऊपर मैं राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप राजस्थान की संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति
बचाए रखे, लेकिन साथ साथ में कला को बचा के रखे और कला को आगे प्रमोट करे, क्योंकि कला का आने वाले टाइम में बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये और लोगों को पसंद आ रही है। नेचुरल लोग जो ढूंढ रहे हैं वो अपने हाथ से बने हुए प्रोडक्ट में ही नेचुरल चीजें आएगी। तो ये देखिए, हमने रुमा देवी जी से बात की और हाँ। तो ये हमने रुमा देवी जी के साथ में बैठ के आज इनसे बातें की और हमें हकीकत पता चला कि रुमा देवी जी कितने पढ़े हुए हैं और ये बता रहे हैं आठवीं शिक्षा में पढ़े हुए और राजस्थान से जो महिलाएं हैं इनको ग्रामीण जो महिलाएं हैं इनकी जो कला है इनको आपने पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध किया है। तो रुमा देवी जी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज पांचला सिद्धा में जो उत्सव माह का जो कार्यक्रम चल रहा है 25 देशों से यहाँ मेहमान आए हुए हैं वहाँ पर रुमा देवी जी पधारे हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत। और आप ये यहाँ का देख रहे हैं पूरे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए महिलाएं ये देख सकते हैं आप यहाँ से रुमा देवी जी पास में बैठ के ये पूरी अब जो अपनी कला है अपने दादी जी से सीख गई हुई कला पूरी दुनिया के अंदर बता रहे हैं और बहुत ही सुंदर ये दृश्य आप देख रहे हैं। पांचला सिद्धा से यहाँ पर अभी उत्सव माह का कार्यक्रम चल रहा है और विदेशी महिलाओं के साथ साथ में देशी महिलाएं रुमा देवी जी से ये कला सीख रहे हैं। बहुत ही सुंदर देखिए आप।